324 नंबर का जो विषय है वो बहुत अहम है, उसको फौरन खत्म ना किया जाए। अभी से हम लोग आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपोजिशन की तरफ से कि वो विषय को आप अच्छे से पूरी तरह हर आदमी की हर मेंबर की बात सुनने के बाद और सब अच्छे से अपना जवाब दे दे, अपनी राय दे दे, जब तक आप विषय खत्म नहीं करना। तमाम अरे प्रवक्ता कौन है आपका? महासभा का भी कोई प्रवक्ता है क्या? कोई सियासी पार्टी का मेंबर और कमिश्नर की तरफ से भी और मेयर की तरफ से भी प्रवक्ता बन गया है क्या? बीच बीच में बोलता है। अगर आप अपनी जबरदस्ती करेंगे तो हम कारपोरेशन में आके हॉल में आके तमाशा करेंगे। ये मालेगांव शहर का सबसे आज के वक्त में सबसे सुलगता हुआ सवाल है। अरे आ जाना, पहले ही बुलाए होते ना हॉल में। अरे अभी बुला लो, अभी बुला लो, अभी हमको। मेयर साहब ये जो विषय है इसमें दक्षिण पूरब पश्चिम मत करो, पूरा मैदान जो है वो ईदगाह के लिए रिजर्व करो। पहले जो काम चालू है एनओसी रद्द करो, एनओसी रद्द करो पहले। जो कारपोरेशन ने एनओसी दी है उसको रद्द करो। ये एनओसी कौन? एनओसी वाले रद्द करो। ये एनओसी किया कौन उसको? ये बताओ पहले। मालेगांव के लोगों का दिल मजरूह हो रहा है, इसमें चालबाजी मत करो मेयर साहब। कमिश्नर से हमारा सवाल है, एनओसी दिया कौन वो वहां महासभा में ना उसको। सत्ता की लालच में ईदगाह की कुर्बानी मत दो। जो एनओसी दी गई है कमिश्नर की तरफ से और मालेगांव कॉर्पोरेशन की तरफ से उसको रद्द करो। सबको बोलने का मौका दो और म्यूट मत करो। कमिश्नर साहब आप जो जवाब देंगे, एनओसी दिया कौन है? हमारा सवाल सुनो, हमको दबाए जा रहे हैं ऑनलाइन करके। जो एनओसी जॉगिंग ट्रैक के लिए दी गई है उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जवाब दो। एनओसी रद्द करो और रद्द जिन्होंने एनओसी दी, गैर कानूनी एनओसी, और जिन्होंने उद्घाटन किया सब लोगों के ऊपर फौजदारी गुनाह दाखिल करो। तुम्हारी सत्ता में तुम्हारे मेयर बनने की लालच में ईदगाह की कुर्बानी मत लो। जमीतुल मालेगांव जमीतुल उलमा ने मांग की है कि पूरा मैदान ईदगाह के लिए रिजर्व किया जाए और एनओसी जो ईदगाह में जॉगिंग ट्रैक की बन रही है, जॉगिंग ट्रैक जो बन रहा है उसकी एनओसी रद्द की जाए। मालेगांव जमीतुल उलमा ने तमाम मेंबरों से, सारे जट नेताओं से रिक्वेस्ट की है, उनकी रिक्वेस्ट को कबूल किया जाए, पूरा मैदान ईदगाह के लिए दिया जाए और जो कारपोरेशन की तरफ से एनओसी दी गई जॉगिंग ट्रैक का मामला, जॉगिंग ट्रैक का काम फौरन रोका जाए। ये फैसला करो और वोटिंग करो इस पे। अरे वोटिंग करो जॉगिंग ट्रैक। अरे काय के बारे में कमिश्नर साहब, तुम्हारा तो पुतला जलाएंगे गांव में। ये कांग्रेस की चाल है, हमारे को कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, हमारे साथ जरा काम हो रहा है। कोई बात सुने नहीं जा रही। पूरी जगह ईदगाह को दी जाए। आए साहब एनओसी रद्द करो पहले। ना पूरब कड़े है ना पश्चिम कड़े, पूरी जगह जो है वो ईदगाह मैदान में पहले एनओसी रद्द करो। आप विषय में होशियारी मत करो। नहीं आप विषय में क्या हुआ है? क्या हुआ है विषय में? क्या हुआ पहले? आयुक्त साहब आप मालेगांव के लोगों को धोखा दे रहे हैं। आयुक्त साहब विषय को पढ़ा नहीं सही से, विषय पास नहीं किया। हम तो ये विषय को मानेंगे नहीं। अरे विषय का क्या हुआ इतना के? मैं तो आवाज को बहन के की बात को मानेंगे। जब तो दोहराया जा रहा है विषय को, जब तो बोल रहा हूं जब तो उनका की आवाज को दोहराया जा रहा है। आप वहाँ पे नमाज पढ़ने वालों की बेइज्जती कर रहे हैं। शहर की बेइज्जती है ये, पूरे शहर की बेइज्जती है। आप पूरी जगह पूरे शहर की बेइज्जती है। बंद करो, चंद फिरका परस्तों के आला कार मत बनो, चंद फिरका परस्तों के आला कार मत बनो। ईदगाह के नाम के नाते मत लो, ईदगाह के नाम का मामला
वहाँ का इमाम चेंज होगा ना इसका ग्राउंड का ग्राउंड चेंज होगा। तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो। आइए कुर्बानी मत दो। आप पीछे से भागो। वो जो तालीम हुआ वो ग्राउंड भी तोड़ा जाए। मेरा सामान इतने सेंसिटिव विषय को। अरे विषय का क्या हुआ? मैंने क्या कहा विषय का? इतना मैं विषय का हुआ नहीं उससे। आपके स्पेशल अधिकार। एनओसी रद्द करेंगे नहीं अरे। एनओसी रद्द। एनओसी रद्द करो। एनओसी रद्द करो। एनओसी रद्द करो। ये विषय को मानने दे भाई। पहले जॉगिंग ट्रैक का काम रुकना चाहिए। उसी रानी कोई बात सुनने नहीं जा रही। अब वो मैडम को अधिकार है कि वो विषय ला सकती है। मेरा साहबा आपको मैंने अपोजिशन लीडर की हैसियत से एनओसी प्राप्त करने का विषय के शुक्रवार के दिन लेटर दिया। कमिश्नर जी मुर्दाबाद 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 महापौर मुर्दाबाद महापौर मुर्दाबाद ईदगाह बेचने वाले मुर्दाबाद ईदगाह का सौदा करने वाले मुर्दाबाद ईदगाह को बेचने वाले मुर्दाबाद अपनी सत्ता के लिए ईदगाह को बेचने वाले मुर्दाबाद। अरे बोले इनका देख लो इनका बोलो बोलो इनका देख लो इनका बोलो ये बात समझ जावे की कर ले ये इसको जाबूर कर ले बोले इनका का विषय मुसलमानों के साथ खिलवाड़ हो रहे मुसलमानों के साथ खिलवाड़ हो रहे ये धोखा दिया जा रहा है वो पूरे गांव के लोग इनकी नमाज पढ़ते मुसलमानों के साथ धोखा दिया जा रहा है ये भेद डालो साहब ये भेद डालो की सियासत चल रही है। अरे दादा मुझे खुद करने वास्ते भी चला है मुसलमानों के साथ ज्यादा हो रही है मुसलमान ये बाबू की सियासत है ये आप लोगों की सियासत है मेयर साहब ये इंदौर के लड़ने वाले भी क्या हुआ पहले मेयर साहब ये मुसलमानों को वहां नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा ये सियासत है बाबू की। हम आपके साथ रहेंगे मेयर साहब ये बाबू की चाल है खुद किया जा रहे दादा मुझे खुद किया जा रहे मुसलमानों के साथ खिलवाड़ हो रहे अभी क्या अभी रुको माले वो जॉगिंग ट्रैक जो बनाया गया सबसे पहले कॉर्पोरेशन वो तोड़े आपको लेटर दिया एनओसी कॉर्पोरेशन दी है एनओसी रद्द हुई कि नहीं उसके बारे में तोड़ा जाए एनओसी रद्द हुई कि नहीं हुई हमको वादे करो आज की सभा में भाग नहीं सकते ईदगाह के मैटर से अगर ये तुमने मंजूरी दी है तो हम इसके खिलाफ कमिश्नर की ऑफिस का घेराव करेंगे कमिश्नर की ऑफिस का घेराव करेंगे अगर हमको ये पैदा एनओसी रद्द नहीं हुई कमिश्नर की ऑफिस का घेराव करेंगे घेराव करेंगे कमिश्नर साहब नहीं दूसरा विषय नहीं पड़ेगा पहले ईदगाह कोई भी चाहे ना चाहिए हमको ईदगाह घेराव चाहिए ईदगाह पे जॉगिंग ये धोखा दिया जा रहा है जैसे बाबरी मस्जिद को आजाद दिया जाता था वैसे ही हर साथ ये ग्राउंड के लिए भी हम लोग गठबंधन के लोग आजाद देंगे बंद करो 6 दिसंबर जैसे ये ग्राउंड के लिए भी हम आजाद देंगे अगर आपको जगह ये हमारे साथ हमारे इसलिए साथी थे और ये अंदाज में ये बाबू साहिबा भी शामिल है बेइज्जती मत करो मस्जिद को साजिश के तहत शहीद किया गया हम वोटिंग कर रहे हैं इसके खिलाफ ईदगाह का सौदा कर रहे हैं के लिए कांग्रेस पार्टी में दम होगा तो अरे विषय लाओ ठेकेदारी की तो विषय सब लेके आते तुम रोड के गटर के और सोते के अभी तुम ईदगाह के मामले में विषय नहीं लाते एनओसी रद्द करो ये चीज साबित करो मेयर साहब जवाब दीजिए हम उसके खिलाफ वोटिंग करेंगे बनाने के काम रोकने के एनओसी रद्द करने के मामले में क्या किया हमारा ये बोलना है ना कि सब सदस्य लोग अपन उंगली उठाओ बंद करो बंद करो चमचागिरी बंद करो बंद करो बंद करो अरे फंड देते थे उनको एनओसी रद्द करो फंड दादा मुझे रद्द करो लेकिन ईदगाह को देखो शिवसेना की चमचागिरी बंद करो दादा भूसे की चमचागिरी बंद करो बंद करो तुम्हारी सत्ता की लालच में ईदगाह का सौदा मत करो ईदगाह का सौदा मत हम कमिश्नर की ऑफिस का घेराव करेंगे अगर हमारी जमीन को वापस नहीं दे गई उसकी एनओसी भी रद्द किए तो हम मालेगांव शहर की तरफ से आपके खिलाफ एहतजाज करेंगे
आधी उठ आप मालेगांव के शहरियान को मुसलमानों को दुख दे रहे अपनी सत्ता की लालच में। सत्ता की लालच में सबका जो है सत्ता की लालच में किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है मुसलमानों को, धोखा दिया जा रहा है। चमचागिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, दादा भूसा की चमचागिरी बंद करो। महापुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप मालेगांव की ईदगाह के जॉगिंग ट्रैक का काम रुकवाने के लिए प्रस्ताव पास नहीं कर रहे। पहले नोटिस रख करो। महापुर साहब हमारा सवाल है। आप मालेगांव के मुसलमानों की जनता क्यों भाग रहे हो इसके से? महापुर साहब वोटिंग कराओ, वोटिंग वोटिंग कराओ, वोटिंग वोटिंग कराओ। का काम रुकना चाहिए, आप मीटिंग पैकअप करके भाग रही है। तुम्हारे जो फायदे के काम रहते सारे विषय तुम लेते और ईदगाह का मैटर रहता तो बोलते करो। कर रहे जो पैसा तुमको पैसा नहीं मिलेगा इसमें ईदगाह में। अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस को पैसा चाहिए ना तो मालेगांव के लोग चंदा जमा करके तुमको रिश्वत दे देंगे। ईदगाह वापस दे दो, ईदगाह वापस दे दो हमको। जॉगिंग ट्रैक तोड़ दो, मालेगांव के लोग पैसा जमा करके तुमको दे देंगे। अरे मालेगांव के बाप जाने हो, तुम्हारा क्या है? धोखा दिया है मालेगांव शहर के लोगों को, जमीयतुल उलमा को धोखा दिया है। असलम अंसारी आप जो मुस्कुरा रहे हैं ना, शर्म आनी चाहिए आपको। मुस्कुरा नहीं रहे, ये विषय पे आप नहीं बोल रहे, ये विषय में आगे बढ़ के नहीं आ रहे। मुस्कुरा रहे हैं, इज्जत जगह पे मुंह नहीं खुला, इज्जत जगह पे मुंह नहीं खुला तुम्हारा। कांग्रेस पार्टी कल की आज की राष्ट्रवादी को शर्म आनी चाहिए। मालेगांव के मुसलमानों का जज्बात बदलू की आपने जमीयतुल उलमा की ईदगाह बेचने वालों शर्म करो, अपने सत्ता की लालच में ईदगाह का सौदा मत करो।